दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो के अंदर पता है हम क्या कवर करने वाले हैं। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि जब हम गेम बॉक्स चला रहे हैं तो एंड्रॉयड आ जा रहा है, ये गेम बॉक्स पे नहीं खुल रहा है। चाहे वो गेम बॉक्स G11 हो, चाहे फिर G11 हो या सॉरी G11 प्रो हो या G11 का प्रो का स्पेशल एडिशन हो, कोई भी हो। तो होता क्या है कि जब हम चलाते हैं तो एंड्रॉयड वाला ऑप्शन आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि एंड्रॉयड ऑप्शन इसमें कैसा दिखता है। ठीक है, सबसे पहले आप चीज़ को देखिएगा। तो जब हम चलाते हैं ना तो इस तरीके का एंड्रॉयड वाला ये खुल जाता है। हर बार यही खुलता है, लोग काफ़ी सारे परेशान हो जाते हैं कि भैया ये क्यों खुलता है ना, ये बार बार क्यों आता है, क्योंकि हमने तो गेम बॉक्स बाय किया है तो ये एंड्रॉयड क्यों खुल रहा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कोई भी गेम बॉक्स खरीदते हैं आप, चाहे ये खरीदें, चाहे G11 खरीदें, G11 प्रो, G11 स्पेशल एडिशन प्रो का, या फिर G5 भी खरीदें, तो उनके अंदर डुअल सिस्टम है। एक्चुअल में वो एंड्रॉयड सिस्टम है, लेकिन उसको एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए SD कार्ड या पेन ड्राइव लगा के गेमिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो इस तरीके से खुलता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं, देखो ये है मेरे पास में G11 प्रो का स्पेशल एडिशन, या G11 भी मान लो प्रो है ना कोई भी, तो यहाँ पर SD कार्ड लगता है। तो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, लोग के पास जब ये नया नया रिसीव भी होता है कई बार तब भी हो जाता है। ये SD कार्ड जो है ना यहाँ पे जिस पोर्ट में लगा होता है, तो लॉजिस्टिक में जाने के बाद, जैसे कोरियर में जाने के बाद, थोड़ा सा हल्का बहुत ऊपर नीचे हो जाए, हिल जाए, कुछ भी एनीथिंग है ना, तो हमको क्या करना है, इसको फिक्स करना है। ठीक है, सबसे पहला फिक्स का ऑप्शन बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देना है। देखो अपने गेम बॉक्स को सारी वायर्स डिस्कनेक्ट कर लो, इसमें जो SD कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, जो SD कार्ड लगा हुआ है उसको अपने नेल से या किसी पिन वगैरह से प्रेस करो तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये लगा ही नहीं मिला किसी को, ठीक है, लगा नहीं मिला तो नया खरीदना पड़ेगा आपको। तो ये इसको वापस लगा दें, बस इतना काम। अब सपोज़ किसी को G11 मिला है, तो G11 में क्या होता है कि G11 में पेन ड्राइव लगती है, तो दो पोर्ट होते हैं, तो अपनी पेन ड्राइव को निकाल कर, मतलब वायर डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, अगेन लगा दो। इससे होगा क्या कि ये वापस रीड करना शुरू हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, देखो अब ये पहला फिक्स था, इसके ज़रिए आप जब भी दोबारा चालू करोगे, सपोज़ करो दोबारा चालू करा और हो गया काम, ठीक है, आपको अगेन कुछ नहीं करना पड़ा, दूसरा स्टेप ज़रूरी ही नहीं है करना ना, तो याद रखिएगा दूसरा स्टेप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर पहले स्टेप में ही आपका गेम बॉक्स आ जाए, देखिए अभी मैंने यहाँ क्या किया है कि G11 प्रो लगा दिया है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला स्टेप आपको समझ लेना है, समझ गए आप, उसको फॉलो कर लिया, हो गया तो नो इशू, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले स्टेप में ही आपका रेडी हो गया, चल गया, ओके। अब अगर सेकेंड स्टेप पर आना है, पहला स्टेप नहीं वर्क करा, ये नहीं आया, ठीक है, ये नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना है, मैं वो भी चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, पहले स्टेप से ये आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आप गेम बॉक्स बंद करो, SD कार्ड को रिमूव करो या पेन ड्राइव को रिमूव कर दो, ठीक है, वापस गेम बॉक्स चालू होगा। तो चालू होने के बाद आपको TV वाला रिमोट उठा लेना जो कि गेम बॉक्स के साथ मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा TV का रिमोट, ये एक आपके गेम बॉक्स, चाहे G5 लें, G10 लें, G11 लें, G11 प्रो लें, G11 प्रो का स्पेशल एडिशन जो हमारे कुछ यूज़र्स को मिला है उसमें भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, सब में रिमोट होगा, थोड़ा बहुत अलग दिख सकता है, कोई इशू नहीं। आपको क्या करना है, इस रिमोट की सहायता लेनी है, इसमें सेल डाल लेने, जैसे कोई भी हल्के फुल्के भी डाल लोगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल रिमोट है। ठीक है, सॉरी बंद हो गया, ये तो दोबारा चालू करता हूँ। तो जब ये आ जाएगा ना तो आपको पहला काम करना है। ठीक है, देखो इसमें अभी हमने SD कार्ड या पेन ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव वाला है G11 तो पेन ड्राइव सही, अगर SD कार्ड वाला है तो SD कार्ड सही, अब वापस लगा दो SD कार्ड, ठीक है, और पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव लगा दो। ठीक है, अब क्या होगा ना, जब ये लगा देंगे तो यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, देखा आपने, ये USB वाला, इसका मतलब है हमारी जो USB पेन ड्राइव SD कार्ड है वो कनेक्ट हो गया उसमें, और जब ये हो जाएगा तो इस रिमोट की सहायता से ये लेफ्ट राइट, ठीक है, ये करना है आपको। अब देखो
जब ये लेफ्ट राइट करेंगे इस तरीके से, ये वाले बटनों से, ठीक है, ये वाले बटनों से, तो यहाँ एप्स में आ जाएंगे, यहाँ में। फिर और ये रिमोट टीवी के सामने मत पकड़ना, गेम बॉक्स के सामने पकड़ना, ठीक है। यहाँ गेम बॉक्स में आगे रिसीवर होता है, इसके सामने पकड़ के ही चलता है। तो ये एप्स में आ जाना, एप्स में आने के बाद ना ये लोकल गेम होता है, तो लोकल गेम में आना। और लोकल गेम में आने के बाद में ना देखो, ये चीज जो है यहाँ कैंसल है और ओके है, लेकिन इसमें ना क्या कर रहे हैं, जब हम इधर उधर कर रहे हैं ना, तो ये हमको थोड़ा सा डार्क नहीं दिखाई दे रहा असल में। ये मैं अभी इस समय ओके पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या है ना, ये एक तरीके से थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा जूम भी करके आपको दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो ब्राइटनेस है वो लो कर सकूँ। देखो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जब मैं इसको ये कर रहा हूँ ना, ये देखो, तो ये ओके कर देना है, ठीक है। सो अभी मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने से होगा ये कि लोकल गेम्स के लिए बना है, मतलब ये ऑप्शन लोकल गेम वाला है। इसमें होता क्या है कि ये आपके एसडी कार्ड यूएसबी के गेम्स को रीड कर लेता है वापस। तो कई बार हम फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं गेम बॉक्स को, तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा। गेम बॉक्स को हमने फैक्ट्री रीसेट कर दिया, एंड्रॉयड अपडेट कर दिया, तो हमारा गेम बॉक्स चलना बंद हो जाएगा, हमको हर बार एंड्रॉयड पे खुलेगा। और हमको बस इतना कर लेना है कि हमको ये स्टेप फॉलो कर लेना है। तो याद रखिएगा, पहला स्टेप एसडी कार्ड पेन ड्राइव को रिमूव करिए, दोबारा लगाइए अगर नहीं आता तो। ये देखिए कंप्लीट हो गया आपका, सेकंड स्टेप में काम बन जाएगा। अगर फर्स्ट में नहीं होता तो सेकंड में तो बन ही जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और या वॉल्यूम हल्के कर देता हूँ। तो मैं आपको अब एक और चीज़ बता रहा हूँ जो कि वो भी पॉसिबल है और वो भी हो जाता है, ठीक है। अभी क्या है कि ये फर्स्ट स्टेप से हो जाता है, मेरा फर्स्ट स्टेप से भी हो गया था, ठीक है। सेकंड स्टेप भी आपको बता दिया। अब बाई चांस आप एसडी कार्ड भी लगा है, सब कुछ लगा है, ऊपर यूएसबी भी बनी आ रही है, ठीक है, और नहीं आ रहा कुछ भी, तो इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, आपको दूसरा एसडी कार्ड बाय करना पड़ेगा या अपने सेलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने हमारी वेबसाइट से ख़रीदा है और ये हो जाता है बाद में, तो आप एसडी कार्ड हमारे से परचेज कर सकते हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर आपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ये एसडी कार्ड पेन ड्राइव लगा दी और फॉर्मेट कर दी, तो भी नहीं आएगा, एंड्रॉयड आएगा, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ गौर करने वाली, अगर ऊपर ये यूएसबी नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब वो एसडी कार्ड और पेन ड्राइव जो है वो ख़राब हो चुकी है। अगर ऊपर यूएसबी वाला पोर्ट नहीं आ रहा, बटन वो जो आइकन है वो बन के नहीं आ रहा, तो उसका मतलब यूएसबी, पेन ड्राइव या फिर एसडी कार्ड खराब हो चुका है, आपको दूसरा ही बाय करना पड़ेगा। सो आई होप कि ये फिक्स जो मैंने आपको बताया है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक सुन ली है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने गेम बॉक्स, गेम स्टिक्स से रिलेटेड फिक्सेस हैं वो इसी चैनल पे मिलेंगे। अगर आपने खरीद लिया है ना गेम बॉक्स, गेम स्टिक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी इशू मैं इस चैनल पे सॉल्व करूंगा। सो आपको पता लग जाएगा। ये मेरे, वैसे तो मैंने अपना चैनल कस्टमर्स के लिए बनाया था, बट ये अब सभी के लिए है जिन्होंने भी इधर उधर से भी बाय किया हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारे कस्टमर्स के लिए फ्री रहता है 1 मंथ के अंदर, उसके बाद में पेड होता है, और अदर कस्टमर के लिए ऑल टाइम पेड है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ख़रीदना है हमारी वेबसाइट से ख़रीदिए, उसमें काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, सस्ता भी मिलेगा, बढ़िया भी मिलेगा, और ऑल टाइम सर्विस हमारी बेस्ट है आप लोगों के लिए। हम कभी भी सर्विस में कोई चूक नहीं छोड़ते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सर्विस है। आप जाके हमारे रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, और आप उनको रिव्यूज़ भी उनके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।